हूँ आपके साथ यास्मी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने दम पर 300 सीटों का आंकड़ा पार किया है। पूरे देश में मोदी लहर देखते हुए बॉलीवुड स्टार्स ने भी जमकर अपनी खुशी जाहिर की, जिसमें सलमान खान, अजय देवगन, रजनीकांत समेत कई स्टार्स के नाम शामिल हैं। इस कड़ी में साल 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी मानुषी छिल्लर का भी नाम शामिल है। बीते दिनों उन्होंने पीएम मोदी को ट्वीट कर जीत की बधाई देते हुए लिखा था, मैंने इस चुनाव में पहली बार वोट डाला और मेरा वोट स्पेशल हो गया। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अब एक अच्छे कल का निर्माण होगा। वहीं उनका ये ट्वीट लगता है पीएम मोदी को काफी पसंद आया है, तभी तो उन्होंने मानुषी के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए लिखा, बधाई देने के लिए धन्यवाद। इस चुनाव की सबसे उल्लेखनीय चीजों में से एक पहली बार मतदाताओं की रिकॉर्ड भागीदारी थी। ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत और अधिक जीवंत बनाता है। तो इस तरह पीएम मोदी ने भी मानुषी को धन्यवाद कहा है। बात करें मानुषी के वर्क फ्रंट की, तो वो जल्द ही बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ पृथ्वीराज चौहान की बायोपिक में नजर आने वाली है। चंद्रप्रकाश द्विवेदी के डायरेक्शन में बनने जा रही पृथ्वीराज चौहान की बायोपिक को यशराज फिल्म्स प्रोड्यूस करेगा। इस फिल्म में मानुषी का रोल भी काफी खास होगा। नमस्ते साथियों, आज एनडीए की मीटिंग हुई थी और जैसा आप सब जानते हैं एनडीए के सभी सांसदों ने और एनडीए से जुड़े हुए सभी राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से मुझे नेता चुन करके एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं एनडीए के सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और एनडीए के सभी प्रमुख नेताओं ने आज राष्ट्रपति जी को मिलकर के इस निर्णय की जानकारी भी दी और बाद में राष्ट्रपति जी के सूचन पर मैं आज अभी उनसे मिलने आया था। राष्ट्रपति जी ने मुझे पदनामित प्रधानमंत्री के रूप में पत्र दिया है और शपथ, मंत्रिपरिषद के शपथ के लिए आगे की कार्यवाही के लिए मुझे सूचित किया है। मैं हो सके उतना जल्दी आगे की कार्यवाही की जानकारियां आदरणीय राष्ट्रपति जी को पहुंचाऊंगा। स्वाभाविक है कि देश एक बहुत ही बड़ा प्रचंड जनमत दिया है, और इन जनमत के साथ, जन आदेश के साथ जन अपेक्षाएं भी जुड़ी हुई है। हमारी सरकार नए भारत के निर्माण के लिए और विशेष करके 2022 जब आज़ादी के 75 साल देश मनाने जा रहा है, ये अवसर अपने आप में 130 करोड़ देशवासियों का अवसर बने। आज़ादी के आंदोलन में जैसे हर देशवासी कोई न कोई संकल्प करता था, वैसा हर देशवासी देश के लिए, समाज के लिए, भविष्य के लिए कुछ करने के लिए संकल्प करें और जीवन में उसको उतार करके दिखाएं, ऐसा अवसर 2022 हमारे सामने है। ये वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का भी है और ये वर्ष गुरु नानक देव जी के 550वें वर्ष का भी है, यानी एक प्रकार से बहुत ही सुभग अवसर का एक कार्यकाल है। और विश्व की जो स्थिति है उसमें भी भारत के लिए अनेक संभावनाएं लेकर के समय आया है। उन अवसरों को हम गंवा न दें,
उन अवसरों का अधिकतम फायदा लेने के लिए भारत को हम सज्ज करें। देश की आवश्यकताओं की पूर्ति का जो वातावरण है उसमें हम बल प्रदान करें। उन बातों को लेकर के आने वाले दिनों में सरकार अपना काम तेज गति से आगे बढ़ाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि एक पल भी विराम का जाए। चरैवेति 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 के मंत्र को साकार करते हुए चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, ध्येय प्राप्त करते रहें। इस मिजाज के साथ नई सरकार भी काम करे, उस संकल्प को मैं फिर एक बार देश के सामने दोहराता हूं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक ऐसा मंत्र है जो भारत के हर क्षेत्र के विकास के लिए, सर्वसमावेशक विषय के विकास के लिए बहुत ही उत्तम राह दिखाता है। सबकी सुरक्षा और राष्ट्र की समृद्धि, उसके प्रति भी प्रतिबद्धता के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। मैं फिर एक बार देशवासियों का धन्यवाद करते हुए विश्वास दिलाता हूं कि नई सरकार आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपकी आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।